नमस्कार, मैं प्रियंक श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में सुनिवेश नवाचार ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको सामुदायिक सहभागिता से संबंधित हिमाचल प्रदेश राज्य के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक सुनिवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है नहीं आने से देर भली। इस गतिविधि का जो प्रयोग विद्यालय में हुआ वो समस्या और समाधान के दृष्टिकोण से हुआ। शिक्षक ने देखा कि बहुत सारे ऐसे जो छात्र हैं जो विद्यालय अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके माता पिता से जब बात किया गया तो ये पाया गया कि प्रायः बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो छोटे छोटे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। जैसे कोई कूड़ा बीनता है, कोई पत्तल बनाता है, कोई मोची का काम करता है, कोई ठेला लगाता है। इस तरीके से छोटे छोटे व्यवसायों से लोग जुड़े हुए थे, छोटे छोटे कार्यों से जुड़े हुए थे। तो उन अभिभावकों का कहना था कि चूंकि उनके बच्चे जो हैं वह उनकी आजीविका में उनका सपोर्ट करते हैं, तो कहीं न कहीं वह उनको विद्यालय भेजने में, उनको लगता है कि विद्यालय नहीं भी जाएगा तो हमारे बच्चे को कोई बहुत नुकसान होने वाला नहीं है। ऐसे में शिक्षक ने उन सभी अभिभावकों को चिन्हित किया जो इस तरीके से अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं या उनको अपने कार्य में लगाए रहते हैं। तो जब ऐसे अभिभावकों की सूची बनाई गई और फिर उनको विद्यालय बुलाया गया, उनके साथ चर्चा किया गया, उनके घर जाकर चर्चा किया गया और उनको समझाया गया कि बच्चे का पठन पाठन कितना जरूरी है और वो जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य से उस बच्चे का भविष्य निर्माण होने की संभावना कम है, तो ऐसे में उस बच्चे को अगर वो शिक्षित रहेगा तो उसके उस कार्य को भी और ऊपर के स्तर पर ले जा सकता है। जब इन सभी चीजों को, इन सभी पहलुओं को उस अभिभावक को समझाया गया तो उस अभिभावक को इसके साथ साथ विद्यालय की तरफ से एक छोटी सी सुविधा भी मुहैया कराई गई। उनको बोला गया कि बच्चे अगर मान लीजिए कि थोड़ा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा लेट भी आते हैं तो भी उनको विद्यालय से वापस नहीं किया जाएगा, उनको विद्यालय में पढ़ने का अवसर दिया जाएगा। जहां एक तरफ इस छूट से बहुत सारे बच्चे विद्यालय आने लगे, वहीं शिक्षक ने इस बात का भी ध्यान रखा कि कोई भी बच्चा इस छूट का गलत फायदा ना उठाए और समय समय पर इस पूरी छूट का उन्होंने अवलोकन भी किया, मूल्यांकन भी किया कि बच्चे इस छूट के लाभ लेकर क्या उनके अंदर प्रगति हो रही है। इस गतिविधि से जहां कुछ बच्चे जो पहले छूट के नाम पर आए थे वो धीरे धीरे जब उनको शिक्षा और बाकी चीजें, विद्यालय का माहौल अच्छा लगा तो वो समय से आने लगे, वहीं बहुत सारे बच्चे जो विद्यालय से सिर्फ इस वजह से रह जाते थे क्योंकि वो किसी न किसी कार्य में इंगेज थे, वो अभी विद्यालय में अब उपस्थित हो रहे हैं और उनका भी शिक्षा से उनका लाभ जो मिलना था वो मिल रहा है। हम आशा करते हैं कि आपको ये नवाचार अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने विद्यालय और कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। हम इस तरीके कई रोचक नवाचार आपके बीच लाते रहेंगे और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारा YouTube चैनल ZIIEI जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारा ZIIEI का Facebook पेज भी जरूर लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।